काले धन पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा कल तक बताए सभी खाताधारकों के नाम, संधि की चिंता छोड़े उसे बाद में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नई सरकार कोर्ट को 2011 का आदेश बदलने की नसीहत ना दे, हम अपना आदेश नहीं करेंगे संशोधित। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से विदेशी बैंक के खातों पर अब मिली पूरी जानकारी मांगी, आदेश में कहा सभी खातों की रकम और नाम बताए सरकार। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, किसी का नाम छिपाने की नहीं है सरकार की मंशा, कल सुबह कोर्ट को दे दी जाएगी सूची, जांच के लिए तैयार है सरकार। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह वो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी, सरकार को इसमें रति भी कोई इतराज नहीं है। जो भी एजेंसी जिस तरीके से न्यायपालिका चाहेगी कि इसकी जांच हो, सरकार उसके लिए तैयार है। जेटली ने फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया सुझाव, कहा सरकार की है मंशा, पूरी प्रक्रिया इस तरह अपनाई जाए जिससे संधि पर ना पड़े असर, मिलती रहे आगे की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को घिरा, अजय माकन ने कहा आखिर पूरे नाम बताने में क्यों हो रही है दिक्कत। माकन ने किया सवाल, जेटली ने 17 अक्टूबर को दिए हलफनामे में भारत की रेटिंग गिरने का क्यों जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि हमारे भारत की रेटिंग्स गिर जाएंगी अगर हम नाम बाहर लेकर के आएंगे। पेज नंबर 18 में उन्होंने कहा है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत हम लोग नाम नहीं जाहिर कर सकते। दोनों ने नाम छिपाने की जी तोड़ की कोशिश, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के लिए ने लिया बेहतर और बड़ा फैसला। कांग्रेस वाले और अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी वाले काला धन वालों को बचाते हुए नजर आ रहे थे, उनके नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहे थे। जाहिर है कल पता चला कि जिन लोगों के नाम काले धन की लिस्ट में हैं उन्होंने दोनों पार्टियों को चंदा दे रखा है। तो आज का जजमेंट बहुत स्ट्रांग है। और डायरेक्टरेट ने काले धन के तीनों अकाउंट की जांच शुरू की, इनकम टैक्स को चिट्ठी लिखकर मांगी जानकारी। ईडी जानने की कोशिश करेगा कहीं हवाला के जरिए तो विदेश नहीं भेजी गई है रकम। कल दिए सरकार के हलफनामे से सामने आए थे तीन नाम, डाबर के पूर्व डायरेक्टर प्रदीप बर्मन, कारोबारी पंकज लोधिया और राधा टिम्बलू के नाम का हलफनामे में था जिक्र। सरकार ने इनकम टैक्स कमिश्नर की बुलाई बैठक, कालेधन वाले अकाउंट की जांच को लेकर चर्चा। इनकम टैक्स कमिश्नरों की बैठक की राजस्व सचिव करेंगे अध्यक्षता, 30 अक्टूबर को होगी बैठक। समाजसेवी अन्ना हजारे ने काले धन पर मोदी सरकार को दिया आंदोलन की धमकी, कहा शीतकालीन सत्र के बाद काले धन का पूरा कच्चा चिट्ठा नहीं आया सामने तो फिर करूंगा आंदोलन। अन्ना ने कहा चुनाव से पहले बोले थे मोदी इतना जमा है काला धन कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं, कहा काला धन वापस लाने का वादा था, अब चंद नाम गिनाए जा रहे हैं। और 3 नाम और 8 नाम और 10 नाम ये डिक्लेयर करना तो हो सकता है कई साल बीत जाएंगे, फिर 100 साल के 100 दिनों के अंदर सब काला धन वापस आना, इसे जी आश्वासन दिया। केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, कहा काला धन रखने वालों का नाम नहीं बताना चाहती बीजेपी, नाम बताया तो चुनाव के पैसे कौन देगा। यही तो बीजेपी और कांग्रेस की गंदी राजनीति है, इसीलिए तो बीजेपी वाले काला धन वालों का की लिस्ट जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि सारी लिस्ट अगर इन्होंने बता दी तो फिर इनको चुनाव देने के एमएलए खरीदने के पैसे कौन देगा। फिर दिल्ली में सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा सुनवाई से ठीक पहले क्यों जागी सरकार, पूछा बीजेपी कैसे बनाएगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा दिल्ली में सरकार बनाने में देरी क्यों, क्या उसके पास है बहुमत का आंकड़ा। दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी को मिल सकता है सरकार बनाने का न्योता, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने की मंजूरी दी। नए हालात में एलजी बीजेपी से करेगी बात, बुधवार या गुरुवार को बीजेपी को भेज सकते हैं बुलावा। इस समय किसी के पास नहीं है सरकार बनाने का आंकड़ा, बड़ा सवाल क्या बीजेपी स्वीकार करेगी राज्यपाल का न्योता। केजरीवाल ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा जरा सा भी बची है शर्म तो विधानसभा भंग कर चुनाव कराएं।
मुझे लगता है अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है इन लोगों के अंदर तो ये तुरंत विधानसभा दिल्ली की भंग करेंगे और दिल्ली के अंदर चुनाव कराएंगे। केजरीवाल ने कहा महंगाई से दिल्ली के लोग परेशान, सब चाहते हैं आम आदमी पार्टी की बने सरकार। बीजेपी सांसद रमेश विद्रोही ने कहा अल्पमत सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी, बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं होने पर सरकार बनाने से करेंगे इनकार। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा दिल्ली में चुनाव के लिए तैयार, सूत्रों के मुताबिक जनवरी में हो सकता है दिल्ली में चुनाव। केजरीवाल ने किया एक और दावा, कहा बीजेपी ने दिल्ली में एक एजेंसी से कराया था सर्वे, अगर आज दिल्ली में हुए चुनाव तो आम आदमी पार्टी को मिलेंगी 48 सीटें। केजरीवाल के मुताबिक सर्वे में दिल्ली की जनता ने उन्हें पहली पसंद माना। दिल्ली में सरकार पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, समय आने पर करेंगे उचित निर्णय। बीजेपी ने केजरीवाल को भेजा कानूनी नोटिस, केजरीवाल ने लगाया था आरोप दिल्ली में फर्जी मतदाता बना रही है बीजेपी। सतीश उपाध्याय ने कहा महज स्वीट पॉलिटिक्स करते हैं केजरीवाल, बीजेपी ने त्रिलोकपुरी विवाद पर दिए केजरीवाल के बयानों की आलोचना की। एलजी के न्योते से पहले दिल्ली में पूर्वांचल वासियों को लुभाने में जुटी बीजेपी, छठ पूजा का उठाया मुद्दा। सतीश उपाध्याय ने कहा दिल्ली में करीब 80 लाख है पूर्वांचल के लोग, पिछली सरकार ने नहीं ली उनकी सुध। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, बीजेपी विधायक दल ने फडणवीस को चुना नेता, राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। फडणवीस के नाम का एकनाथ खड़से ने रखा प्रस्ताव, सुधीर मुंगटीवार, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे ने प्रस्ताव का किया समर्थन। फडणवीस ने कहा इस पद के लिए कई सक्षम लोग महाराष्ट्र बीजेपी में है लेकिन सभी ने मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए मैं उनका आभारी। फडणवीस ने बीजेपी की जीत में सहयोग के लिए पीएम मोदी समेत सभी बड़े नेताओं का जताया आभार, कहा केंद्र सरकार की तरह विकास का रास्ता चुनेगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र को एक पारदर्शी और विकास की ओर ले जाने का प्रयास हम लोग करेंगे और हमारे सारे छोटे सहयोगी दलों को भी साथ में लेकर हम लोग इस विकास की प्रक्रिया में आगे जाएंगे। 21 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस बने थे नागपुर के मेयर, 44 साल की उम्र में बनने जा रहे हैं सीएम। बैठक में जाते वक्त देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर दिखा था जबरदस्त उत्साह, फडणवीस ने विनोद तावड़े के साथ दिखाया विक्ट्री का निशान, बैठक में 20 मिनट में तय हुआ नाम। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक से पहले नाराज एकनाथ खड़से को ओम माथुर और राजीव प्रताप रूड़ी ने मनाया। पारंपरिक लिबास में नजर आए बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने आए विधायक, पहन रखी थी केसरिया पगड़ी। विधायकों ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, किया पुष्प अर्पण। भारत के दौरे पर आए वियतनाम के प्रधानमंत्री से पीएम नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, मोदी ने वियतनाम से साझेदारी को बताया जरूरी, कहा समुद्री व्यापार में ना हो दिक्कत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने दी जानकारी, भारत वियतनाम के बीच 7 समझौते पर हुए दस्तखत, पीएम मोदी ने योग दिवस में सहयोग के लिए भी वियतनाम को दिया धन्यवाद। सलमान खान के चिनकारा के शिकार केस में 3 अभिनेत्रियों की जोधपुर कोर्ट में हुई पेशी, तब्बू, नीलम, सोनाली बिंद्रे कोर्ट में पहुंची। 3 अभिनेत्रियों की कोर्ट में पेशी के दौरान हुई शिनाख्त, गवाह ने अभिनेत्रियों की पहचान। 1998 में सलमान पर लगातार राजस्थान में काले हिरण के शिकार का आरोप, अभिनेत्रियों की गवाही के बाद अब होनी है सलमान की गवाही। अमेरिकी अदालत ने अमिताभ बच्चन को भेजा समन, सिख दंगों को लेकर सिख ग्रुप ने लगाया मानवाधिकार का आरोप। अमिताभ को 21 दिन में समन का जवाब देने को कहा, अमिताभ पर लोगों को उकसाने का लगाया गया आरोप। अमिताभ एनआईए ने बंगाल की सीमा पर चल रहे मदरसों की जांच करने के लिए बंगाल की सीआईडी से कहा, 9 मदरसों को बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन से वित्तीय मदद मिलने का शक। वर्धमान धमाकों की जांच के लिए बंगाल में बड़ी टीम तैनात करेगी एनआईए। 2 अक्टूबर को वर्धमान में हुआ था आतंकी धमाका। वर्धमान धमाके का मुख्य आरोपी यूसुफ खान जल्दी होगा एनआईए के शिकंजे में, पत्नी और बच्चों के साथ फरार। वर्धमान के कृष्णा भाटी गांव का रहने वाला यूसुफ 8वीं के बाद इस्लाम की पढ़ाई के लिए पहुंचा आजमगढ़।
वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन तान डुंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर जोर। कांग्रेस में संगठन चुनाव के लिए दिल्ली में बैठक, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी के अंदरूनी चुनाव पर कांग्रेस बना रही रणनीति। नितिन गडकरी ने कहा अगले 2 साल में सड़क दुर्घटना आदि करने पर रहेगा सरकार का जोर। इथियोपिया की शुगर फैक्ट्री में हादसा, चेन्नई के 5 मजदूरों की मौत, परिवार वालों ने उचित मुआवजा के लिए बिना शव लेने से किया इनकार। अर्जेंटीना में जैगवार को बचाने की पुरजोर कोशिश, डीएनए प्रोफाइल और बालों को बचाकर डीएनए बैंक में रखा गया। दक्षिण अफ्रीका से आए लोगों को इबोला के नाम पर अलग रखने का विरोध, न्यूयॉर्क में सड़क पर उतरे लोग। जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के नेशनल फुटबॉल कैप्टन की गोली मारकर हत्या, हत्यारे फरार। पुलिस ने हत्यारे का सुराग देने वाले पर रखा है $13,600 का इनाम, पूरे देश में शोक। ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नंबर पर धकेल कर आईसीसी की वनडे रैंकिंग में 5 साल बाद टॉप पर पहुंचा दक्षिण अफ्रीका, टीम इंडिया तीसरे पायदान पर। बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में हाशिम आमला ने दूसरे पायदान पर विराट कोहली को धकेला, डिविलियर्स टॉप पर बरकरार। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर मार्लो सैमुअल्स ने कप्तान ड्वेन ब्रावो के दावे को किया खारिज, कहा भारत दौरा अधूरा छोड़ने के फैसले में उनकी नहीं थी सहमति। ड्वेन ब्रावो ने कहा दावा था कि दौरा रद्द करने में सबकी थी सहमति, सैमुअल्स ने बोले दौरा छोड़ने के बारे में मुझसे नहीं किए गए थे सीधे सवाल। WTA डबल्स खिताब जीतने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सानिया मिर्जा को दी बधाई, कहा युवा को प्रेरित करती रहेंगी ये उपलब्धियां। इकतीस अक्टूबर की जगह 1 नवंबर को गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है निलोफर चक्रवात, सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में तबाही की आशंका। नवंबर 1 नवंबर को सुबह 1 तारीख नवंबर को लैंडफॉल होने का संभावना है, उसकी वजह से विंड का गति काफी तेज रहेगी। कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के आतंकियों से हुई मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर, 2 आतंकियों के छिपे होने की थी आशंका। निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोहली ने जताई अंगदान की इच्छा, जेल प्रशासन को लिखा पत्र, फांसी के बाद उपयोगी अंग जरूरतमंदों को दे दिए जाएं। बिहार के सहरसा में छठ पूजा के दौरान 5 बच्चे नदी में डूबे, 4 बच्चों के शव निकाले गए, 1 शव की तलाश जारी। WTA डबल्स खिताब क्या से साल का समापन करने के बाद सानिया ने अगले साल के लिए सेट किया गोल, डबल्स में नंबर 1 को बताया लक्ष्य। सिंगापुर से लौटने के बाद हैदराबाद में बोली सानिया, कहा मेरे लिए बेहतरीन रहा ये साल। इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट यू नो या इट्स बीन प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट इयर्स आई हैव एवर हैड। सानिया ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ, कहा बेहतरीन लीडर है मोदी, हर कामयाबी पर बढ़ाते हैं उत्साह।